डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिने जुड़ा ही राम राम। मौजूद हाँ गांव करसोला में भाई, और आज भाई पूरा सरपंच है राजपाल लाठर, पूरा गांव की पंचायत आ रही है। के कारण है भाई गांव के बाहर है जो राजपाल लाठर का पूरा सरपंच का मकान है। दिखाइए कैमरामैन को, दिखा दे क्या खातर पंचायत आ रही है। पूरे गाँव की पंचायत यहाँ पर पहुँची है, मामला जाना के मामला है जो आज पूरे गाँव के ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं। बुजुर्ग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, के कारण यही भाई जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं भारी संख्या में। और इसमें आप देख सको जो ग्रामीणों की भारी तादाद है गांव करसोला के बाहर राजपाल लाठर के घर पहुंची है पंचायत, ये मामला है। पूरी जानकारी लेवाएंगे, गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं। भाई ऐसा क्या हुआ कि पंचायत राजपाल लाठर के घर के बाहर जमा हो रहे हैं, गांव के पंचायती मौजूद व्यक्ति हैं, पूरा मामला की जानकारी लो। राम राम जी सारे ने जी, के क्या ना जी इतने मानस इकट्ठे हो रहे राजपाल के बाहर आगे के पंचायत आ रही है। ऐसा है जी, ये हम जो सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं एक मकसद से हुए हैं, वो हमने कांग्रेस के प्रचार के लिए राजपाल साहब को कैंडिडेट के तौर पर नियुक्त करने की प्रार्थना की है और इसके बारे में हम आगे कदम उठा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं राजपाल में, ऐसा क्या खास है कि राजपाल को आगे लेकर रहे हैं? नहीं, वो तो सभी हैं और सभी अपना विचार रखे हैं और अपने सभी प्रत्याशी जो अपनी सभी सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी सफलता के लिए कुछ प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। तो आज जो पंचायत बुलाई गई है इसका मामला के मतलब राज्यपाल को भावी विधायक के रूप में देख रहे हैं आप? हाँ, भावी विधायक के रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी के तौर पर। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं देती उसके बाद क्या रहेगा आपका? हम जो कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस के साथ हम मिलकर कार्य करेंगे जी। क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह। और भी कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, बात कराएंगे। पूर्व फौजी हमारे साथ जुड़े, उनसे नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या मामला आज है जो इतनी संख्या में? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम जी। ये तो एक कांग्रेस के प्रचार और प्रसार के लिए संपूर्ण गांव करसोला एकत्रित हुआ है और राजपाल लाठर एक बहुत ही अच्छा और भावी कैंडिडेट है। हम तो कांग्रेस हाईकमान से यही निवेदन करते हैं कि इसका सर्वे करवाया जाए और सबसे अच्छा जो भी लगे उसको, हम तो अपने आप को राज्यपाल को सबसे अच्छा कैंडिडेट मान रहे हैं। तो गांव से राज्यपाल एक एक लेता है ऐसे व्यक्ति जिसको पूरा गांव चाह रहा है, मतलब? बिल्कुल, गांव पूरे गांव का सहयोग तन मन धन से राज्यपाल के साथ। तो ऐसी क्या खास बात है कि राज्यपाल ही ऐसा उम्मीदवार चेहरा चुने आपने, इसमें कोई खास बात? भाई हमारे गाँव में तो यही एक ऐसा चेहरा है जो है, बाकी हर गांव में अलग अलग हैं, हमारे गांव की यही है। राज्यपाल ने ऐसे को काम करे जिन? हाँ, हमारे गांव में बहुत काम किए हैं ऐसा क्यों, पिछले 7 साल सरपंच थे, बहुत काम किए हैं राज्यपाल। तो गांव की कुछ दिन पहले एक पंचायत भी हुई थी पूरा गांव की, उस पंचायत में क्या था? हाँ, उसमें भी राज्यपाल को ये सर्वसम्मति से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया था। तो मतलब कांग्रेस में ऐसी क्या खास बात, और भी तो पार्टियां देश में भी कांग्रेस? नहीं देखो, बीजेपी से तो आम जनजीवन का बिल्कुल ही मन भर चुका है जी जी। वो कहने के लिए कुछ और करने के लिए जीरो है जी जी जी। भाई देख सको हो आमतौर पर जो ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हैं और भी कुछ ग्रामीण तौर बात कर लेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राज्यपाल को चुन दिया आप लोगों ने भाई भावी विधायक के तौर पर। हाँ जी। तो राज्यपाल में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसको देख पूरे गाँव के ग्रामीण एकमत हुए कि राज्यपाल लाठर को ही भावी विधायक बनाया जाए? ये इसने पीछे पंचायत के बहुत काम किए हैं और बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए इसके ऊपर गांव खुश है। गांव खुश है। हाँ जी। भाई देख सको ग्रामीण का साफ कहना है कि राजपाल लाठर ने जो इनका कार्यकाल था, पंच सरपंच थे गांव के, अच्छे कार्य गांव में किए और नीचे प्रभावित हो गए, पूरे गांव की पंचायत इकट्ठा हुई थी और राजपाल तो ही बात कराएंगे जो पूरा गांव इनके पास पहुंचा है भाई, इनको भावी विधायक तौर पर देख रहा है, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है भाई? राजपाल राम राम। राम राम भाई साहब। भाई राजपाल आज पूरा गाँव की पंचायत और पूरा 36 बरादरी व्यक्ति आपके घर पर इकट्ठा हो रहे हैं, आपको भावी विधायक देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? आपको और आपके यूट्यूब चैनल को राम राम। ऐसा है, पीछे गांव इकट्ठा हुआ था, कांग्रेस से हमें हमारा गांव उम्मीद रखता है जी जी जी, और कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी जी जी, और कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे जी जी। गांव इकट्ठा हुआ था, पूरे गांव ने समर्थन दिया, तन मन दिन से ये बोले है बेटे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा, पिछले 5 साल पहले भी आपको लोग कह रहे थे कि आप चुनाव लड़िए, अब आपने ऐसी क्या कमी लगी कि आपने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया? चलो वो तो मौका होता है जी जी। उस टाइम बुजुर्गों ने ये मना कर दिया कि आप इलेक्शन की अभी रहने दो जी जी। उस टाइम में सरपंच था तो कि अभी आप गांव के काम करो, आगे वाला जो इलेक्शन आएगा
2024 का, उस टाइम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे और अब 24 का टाइम आ गया। जैसे आपको ऐसी कौन सी कमियां लगी भाई, आपको विकास की ऐसी कौन सी कमियां लगी जिनको देख कर आप चुनाव मैदान में उतरे? जैसे जो बीजेपी पार्टी 9.5-10 साल हो गए जी, इसने इसे आम जन दुखी है, कर्मचारी सारे दुखी हैं, सब वर्ग दुखी हैं, सब कुछ को सरपंचों को पीट दिया था, आशा वर्करों को पीट दिया था, जिसने भी धरना प्रदर्शन कराया उनको पीट दिया था, जो गरीब आदमी उनके बीपीएल कार्ड काट दिए थे, बुढ़ापा पेंशन काट दी थी, जो 70-70 साल की उनकी तो पेंशन नहीं बन रही और वो काटने और लग रहे हैं, जैसे इसी बीपीएल कार्ड काटने लग रहे हैं। तो आम जन की जो समस्या है उनको देखते हुए मैंने यही विचार बनाया है कि अब समाज सेवा जो करनी है तो राजनीति में आके ही ये काम करना है और मैं सबकी समस्याओं को देखते हुए ये काम में आया हूँ। तो बीजेपी ने जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और लगातार मुख्यमंत्री हैं जो नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर रहे हैं, अब सरपंचों की जो लिमिट थी वो भी बढ़ा दी है और बेरोजगारी बता जैसे बुढ़ापा पेंशन उसको बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं कहने की, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? दाब ने देख के दाब हटे है जी जी जी, ये पीछे 5 सीट आ गई कांग्रेस की जी 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 और 5 उनकी रहेगी। पहले तो ये घोषणा नहीं करे थे सीएम साहब जी जी, ये सीएम साहब तो आचार संहिता से पहले आ लिए थे, पहले तो इन्हें घोषणा नहीं करी, पहले तो गरीब आदमी नहीं दिखे इन्हें, अब ये घोषणा करने लग रहे हैं। दाब ने दाब हटाव है गंडा, आम आदमी का रुझान कांग्रेस की तरफ हो चुका है, अब ये लुभावने वादे कर रहे हैं, क्या पता पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, अब कोई फायदा नहीं इनका। तो पिछले 5 साल में जैसे जेजेपी का विधायक था विकास कार्य हुए जुलाना में या नहीं हुए? देखो काम थोड़े बहुत तो कोई भी सरकार हो करती है, पक्ष का हो विपक्ष का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो रह जाती हैं, जैसे शिक्षा की है और इलाज की है, सबसे जरूरी तो यही है, पढ़ाई है बच्चों की और इलाज है, ये बहुत जरूरी है, इनको देखते हुए ये काम बिल्कुल भी नहीं हुए, बिल्कुल भी मतलब विकास नहीं हुआ। जुलाना को सब डिवीजन बढ़ाने का काम किया जेजेपी, बार बार दावे करते हैं कि और 4 भव्य चौक भी जुलाना में बढ़ाए जाएंगे, घोषणा कर दी सब डिवीजन की जी, एसडीएम साहब की भी ड्यूटी लगा दी जी, ना तो कभी वो मिलते हैं, आते हैं एसडीएम साहब जी जी, और लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो सब डिवीजन की होती हैं वो हमारे हल्का को नहीं मिल रही, ये समस्या है, ये समस्या। तो आपको अगर जो जुलाना हल्के की जनता है विधायक बना देती है तो आपके द्वारा किस तरह विकास कार्य हल्के किए जाएंगे? जो भी जरूरी काम होंगे समाज को देखते हुए, जो समाज की मांग होगी या समाज को ऊपर उठाने के लिए युवा शक्ति है जैसे उनको पढ़ाई के लिए है और खेलों के लिए है ये, और जो गरीब हैं उनके लिए जो मकान है मकानों का प्लाट दे के मकान बनवाने उनके, ये ऐसी जो सुविधा है बीपीएल कार्ड और नरेगा की जो स्कीम है उसकी दिन बढ़वाने और उसकी जो पैसा बढ़वाना, ये इस तरह के काम जो समाज के हैं वो जरूरी हैं और वो करेंगे हम। हाँ सन 14 से आज तक कोई मकान नहीं बने हैं गांव में, 2014 से लेकर अब तक कोई मकान नहीं बना, पूरे हल्के में मैं भी 7 साल सरपंच रहा हूँ, पूरे हल्के में कितने मकान बने हैं आप खुद सर्वे जाके देख लो, कांग्रेस राज में ही बने थे जो भी मकान बने थे, किसी के मकान नहीं बने भाई। देख को ही है राजपाल लाठर जी भाई, इन्होंने बताया कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की प्राथमिकता के तौर पर वो सभी कार्य किए जाएंगे। गांव के एक और बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े, उनसे और बात कर लेते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे राजपाल लाठर को जब गाँव वालों ने एक विधायक के तौर पर चुन दिया भाई, विधायक के भाव ही प्रत्याशी? हमारा गाँव पूरा इकट्ठा हुआ तो सारे गाँव ने ये निर्णय लिया है कि अब हम तो कांग्रेस की तरफ से इनको देखना चाहते हैं और पूरे गांव ने इसको समझौता दिया और गरीबों का तो बिल्कुल ही नहीं बीजेपी ने काम किया। सन 14 से लेकर मैं धानक समाज से संबंध रखता हूँ, मतलब गांव की 36 बरादरी समर्थन करी है, 36 बरादरी, और सन 14 से लेकर आज तक किसी गरीब का मकान जुलाना हल्का नहीं बना है। तो सरपंच का कार्यकाल के दौरान कुछ काम करे थे सभी जातियों के लिए? हाँ जी पूरे काम करे हैं, हमने जो किया कहा है ना वो किया है जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम चमनलाल है जी। भाई ये थे हमारे साथ गांव के ग्रामीण बुजुर्ग चमनलाल, और इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप डीएन हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।